अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सब्सक्राइबर एंड मेरे प्यारे व्यूवर्स, वेलकम है आप सबको घर का खाना है में। आज मैं बनाने जा रही हूँ घर के खाने में सर्दियों की जान रेसिपी, सूप की रेसिपी, चिकन सूप फॉर कोल्ड, मतलब सर्दियों में बनाई जाने वाली और पसंद से खाई जाने वाली सूप की रेसिपी आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी। ये सूप की रेसिपी चिकन सूप रेसिपी फॉर कोल्ड मैंने इसलिए नाम रखा है कि ये सर्दियों में बहुत मज़े मज़े लेके हम पीते हैं और यहाँ तक कि रेस्टोरेंट जाके भी हम ये शौक से पीते हैं। तो ये रेसिपी मैं शुरू करने लगी हूँ। तो चलिए, ये देखिए मैंने लिया है 2 चिकन ब्रेस्ट। इसको मैंने 1 लीटर पानी में उबाल के इसका यखनी निकाल लिया है और इसको चिकन को रेशा कर लिया है। ये है मेरे पास 1 कप मशरूम, इसको मैंने बारीक बारीक लंबे लंबे काट लिए हैं। ये मेरे पास होगा 1 कप मशरूम, ठीक है जी। अच्छा, ये है मेरे पास 2 गाजर थे, 2 कैरेट्स थे, इसको भी मैंने लंबाई में काट लिया है। इन सबको आपने लंबाई में काटना है, अगर चौड़ाई में काटना है तो पर सबको चौड़ा काटना है, आपने स्क्वायर काटना है, मगर मैंने लंबाई में काटा है इसलिए मैंने कैरेट को भी और मशरूम को भी लंबाई में काटा है। ये है मेरे पास टोफू, टोफू सोयाबीन का बना हुआ होता है, ये मेरे पास थे, मैं डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो ना डालें। ये मेरे पास है 1 कप फ्रेश टोफू, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अच्छा जी, ये है मेरे पास हॉट चिली सॉस, ये है मेरे पास 1 टेबल स्पून मैं यूज़ करूँगी अपनी रेसिपी में। और ये है मेरे पास सोया सॉस, ये जाएगा 2 टेबल स्पून, ये भी मैं रेसिपी में डालूँगी। और ये है ब्लैक पेपर पाउडर, ग्राउंड ब्लैक पेपर पाउडर, ये भी जाएगा 1 टीस्पून, ठीक है जी। और ये है मेरे पास अंडे की सफ़ेदी, एग वाइट, 1 अंडे की सफ़ेदी है, एग वाइट। और ये है 4 चम्मच, पहले से मैंने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को घोल के रख लिया है, 1/2 कप पानी में कॉर्नफ्लोर को घोल लिया है, 4 टेबल स्पून, ठीक है। सॉल्ट टू टेस्ट है और चाइनीज सॉल्ट जाएगा 1 टेबल स्पून, ठीक है। चाइनीज सॉल्ट जिसको चाइना सॉल्ट कहते हैं वो जाएगा 1 टेबल स्पून, अजीना मोटो सॉस। ये देखिए मेरे पास, मैंने आपसे कहा था 1 लीटर यखनी मैंने बनाया था चिकन ब्रेस्ट का, उसमें मैंने यखनी निकाल लिया था, वही बचा हुआ यखनी में मैंने सारी सब्जियां डाल दी हैं। ये देखें, कैरेट चला गया और इस पे चला गया आपका मशरूम। अब ये 3 से 4 मिनट इसको पकेगा, ये बॉयल होगा और ये मज़ेदार सूप बनेगा। ये देखिए, अब मैं इसमें सोया सॉस डालने लगी हूँ। इस यखनी में मैंने 2 चम्मच सोया सॉस डाल दिया है, ठीक है। और इस पे जाएगा हॉट चिली सॉस, ये भी डालूँगी, बहुत ही चटपटा मज़ेदार चिकन सूप बनेगा आपका। ये मैंने हॉट सॉस 1 टेबल स्पून डाल दिया, ज़्यादा या कम आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा। ये है मेरे पास ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ये चला गया 1.5 टीस्पून, ठीक है जी। ये और ये चला जाएगा विनीगर, सिरका जाएगा 1 टेबल स्पून, सिरका भी डाल दूँगी मैं। बहुत ही मज़े का स्पाइसी और बहुत मज़े का सूप बनेगा जिसको आप बड़े शौक से पियेंगे। सूप भी चला गया, अब मैंने इन सबको मिलाया, देख लीजिए सब्जियां जो है कैरेट और मशरूम को गलने में टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट में ये गल चुकी है, यखनी हमारी पहले से थी और ये मसाले सारे डाल दिए। तो इस तरीके के बहुत सारी रेसिपी है मेरे YouTube चैनल में, जाएं जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, और बहुत ढेरों सारी रेसिपी मैंने बनाई हैं और जाके देखें। ये देखें, मैंने आपसे कहा था कि मैं 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर को 1/2 कप पानी में घोल लिया है मैंने, इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता डालूँगी और अपने चिकन सूप को थिकनेस के लिहाज से गाढ़ा करूँगी, जितनी थिकनेस मुझे चाहिए, ठीक है। ये मैं आहिस्ता आहिस्ता डालती जा रही हूँ और देखती जा रही हूँ कि मुझे कितनी थिकनेस चाहिए। जब ये मुझे लगेगा कि ये राइट कंसिस्टेंसी में आ गया है तो मैं रोक लूँगी, ठीक है। तो मैं ये डालती जा रही हूँ और चम्मच साथे साथ हिलाती जा रही हूँ, चम्मच को हिलाना ज़रूरी है। ये देखें, बिल्कुल राइट कंसिस्टेंसी में आ गया है, गाढ़ा हो गया है। अब मैं क्या करूँगी नेक्स्ट आपको बताती हूँ।
बहुत ही मज़े का लग रहा है। और सर्दियों की तो जान है, विंटर की तो ये जान है चिकन सूप। ये मैं डाल दे रही हूँ सोया क्या कहते हैं टोफू, ये सोयाबीन से बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त है ये। और ये बहुत बेनिफिट है, सोयाबीन से बनने वाला टोफू का बहुत बेनिफिट है। अच्छा, ये मैंने टोफू डाल दिया, टोफू को भी डाल के थोड़ा सा हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। मुझे तो पानी आ रहा है मेरे मुंह पे, बहुत ही मज़ेदार लग रहा है मुझे। अब मैं इसमें डालूंगी एग वाइट जो मैंने रखा था। ये एग वाइट की सफ़ेदी है, सिर्फ सफ़ेदी यूज़ कर रही हूँ। ये मैं थोड़े थोड़े डालूंगी हल्के हल्के हाथों से, और चम्मच भी हिलाती रहूँगी। ये देखें, हल्के हल्के हाथों से हिलाया मैंने और डालती जा रही हूँ। ये देखें, मज़ेदार चिकन सूप फॉर विंटर या चिकन सूप फॉर कोल्ड, ये कह लें आप, चिकन सूप फॉर कोल्ड। और ये चिकन सूप हमारा तैयार है। बस अब मैं डिश आउट करूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको गार्निश किस तरह करूँगी। ये देखिए, हमारा ज़बरदस्त मज़े का चिकन सूप फॉर कोल्ड या चिकन सूप बन चुका है, सर्दियों की जान, और बहुत ही ताकतवर और बहुत ही जायकादार बन गया है चिकन सूप की रेसिपी। और आप इसको, मैंने ये थोड़ा सा प्रॉन क्रैकर रखा है यहाँ पे साइड में, ये हल्का सा गार्निशिंग करूँगी मैं। अपनी प्याज कली, स्प्रिंग ऑनियन के सिर्फ ग्रीन पार्ट को लिया है मैंने, उसको रखा है ऊपर से गार्निशिंग के लिए। और बस गर्मा गर्म पिएं, बच्चों को पिलाएं और इंजॉय करें। ये सूप को आपने ज़रूर बनाना है, ज़रूर ट्राई करना है। ऐसी ढेरों रेसिपी आप सबके लिए लेके आऊँगी, तो आप इस रेसिपी को बनाएं, कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखें कि आपकी कैसी बनी, और मुझे आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और इसको ज़रा बनाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो चलिए जी, मुझे इजाज़त दें, मज़ेदार सूप को आप लोग भी इंजॉय करें, और मैं भी तो इंजॉय करूँगी ही। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।